नवरत्न टाटा सर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और इतनी तेज़ी से इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इंडियंस को, तो बहुत बड़ी बात है। और लिटरली एक ये ट्रू लेजेंड होता है ना, एक आपकी कंट्री का जो लेजेंड होता है ना। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया में। सो गाइस, आज इस वीडियो का मैं मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। उसका नाम है कैसे रतन टाटा इंडिया को अगला सुपर पावर बना रहे हैं, हाउ रतन टाटा इज मेकिंग इंडिया ग्रो। सो गाइस, इस वीडियो को बनाया है गेट सेट फ्लाई फैक्ट ने। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में हमको बताया गया है कि टाटा कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने लोगों को रोजगार देता है और टाटा के बिजनेस एम्पायर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हमको बताया गया है। और टाटा बिजनेस एम्पायर के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हमको बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो चेकआउट करें। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज टी से लेकर टेक्नोलॉजी और कंपनी से लेकर आम इंसान के घर तक पहुंच चुकी टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता। लेकिन आई बेट आप ये नहीं जानते होंगे कि टाटा को खड़ा करने वाले जमशेद जी टाटा ने पिछले सेंचुरी में 102 बिलियन डॉलर्स यानी 7.5 लाख करोड़ का दान किया था। और इसीलिए तो ये बिल गेट्स जैसे बिलियनर्स को पीछे छोड़कर नंबर वन फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए हैं, विच इज माइंड ब्लोइंग फॉर एनी इंडियन। और जिसे साबित करने के लिए मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कोविड के लिए 2500 करोड़ खर्च कर दिए थे, लेकिन 1868 में शुरू हुई कंपनी आज 7,50,000 लोगों का परिवार यानी भूटान जैसे देश जिसकी पॉपुलेशन 7,39,000 है उससे बड़ी बन चुकी है। मतलब एक पूरे देश की जनता जितने लोगों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देकर ही नहीं बल्कि टाटा इंडिया की इकोनॉमी में टैक्स भरकर भी इंडिया की मदद कर रहा है। जैसे 2018-19 में टाटा ग्रुप के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अकेले 10,000 करोड़ का टैक्स भरा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके करीबन 100 कंपनीज के टैक्सेस को जोड़ दिया जाए कई देशों की जीडीपी कम पड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है टाटा इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद हमारे आज के इस वीडियो, इसका टाइटल है हाउ इज रतन टाटा मेकिंग इंडिया ग्रो में। खैर, अब से मुझे ये बताओ कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। मनी मतलब इकोनॉमी, फिर एजुकेशन, इसके साथ हम हेल्थ को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट? ये सभी फैक्टर्स है ना। सो चलो देखते हैं कि इनमें से और इन जैसे किस किस तरीकों से इंडिया को ग्रो करने के लिए टाटा अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमी, जिसके बिना देश तो छोड़ो किसी एक इंसान का भी दिन नहीं गुजर पाएगा। और बिल्कुल इसीलिए टाटा ने भी अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अर्ली 90s में ग्लोबल मार्केट में कदम रख दिया था, जिसके चलते आज 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स के 100 कंट्रीज में टाटा पहुंच चुकी है। और अगर हम टाटा के मेजर ब्रांड्स को देखने जाए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS टाटा की सबसे प्रॉफिटेबल सब्सिडियरी है, जो 7,545.67 बिलियन इंडियन रुपीज का मार्केट कैपिटल रखती है और जिसने 2020-21 में अमेरिकन मार्केट से 842 बिलियन रुपीज इंडिया में लाए थे। इसी तरह टाटा के बेवरेजेस में जहां टाटा टी इंडिया का नंबर वन सेलिंग टी ब्रांड है, वहीं 2000 में एक्वायर की गई विदेशी टेटली टी कनाडा में नंबर वन और यूके और यूएस में सेकंड सबसे ज्यादा बिकने वाला टी ब्रांड है, जो भी टाटा का ही है और इससे कई अरबों का प्रॉफिट जनरेट होता है। और सिर्फ चाय क्या, टाटा के स्टारबक्स के साथ इंडियन मार्केट में खड़े जॉइंट वेंचर से 5,807.99 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा की टाइटन तक कंपनियां इंडियन और ग्लोबल मार्केट से इसी तरह बड़े बड़े रोकड़े छाप रही है, जो ऑब्वियसली इंडिया में आता है। टाटा के टाइटन, तनिष्क, टाइटन आई प्लस, सोनाटा और फास्ट ट्रैक की एक्सेसरी सेल करके हर साल 21,204 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और इसके अलावा टाटा स्टील लिमिटेड ने 1.57 लाख करोड़, टाटा होटल्स की चेन में जिसमें ताज, सिलेक्शंस, विवांटा, जिंजर, द गेटवे जैसे होटल्स के नाम भी शामिल है, इनसे 4,595 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसी के साथ टाटा मोटर्स
3.19 लाख करोड़ की कमाई करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, करीबन इनकी 100 कंपनियां हैं, लेकिन ये सिर्फ उनमें से गिनी चुनी कंपनियों की कमाई थी। तो सोचो ये टोटल कितना कमाते होंगे और हमारे इंडिया को इससे कितना फायदा होता होगा। टाटा इज अ ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट। फॉर एग्जांपल, 2000 में टाटा का ओवरऑल टर्नओवर का 20% हिस्सा विदेश से आता था, और वहीं पर 2015 में इनका विदेश से आने वाला टर्नओवर 70% हो गया, और आज 5 साल बाद ये कितना ही ज्यादा बढ़ चुका होगा वो आप ही सोच लीजिए। पर टोटल टर्नओवर ही नहीं, 2017 में गवर्नमेंट के टोटल 21,08,118 टैक्स कलेक्शन में टाटा कंपनीज ने मिलकर 47,196 करोड़ यानी टोटल जीडीपी में 2.24% कंट्रीब्यूशन भी किया था। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आईपीएल तो शुरू हो चुका है और मैच तो हम सब अपने घर पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, पर अगर मैं आपको कहूं कि यही क्रिकेट के स्किल्स आपको जिता सकते हैं 10 करोड़ तक इनाम, जी हां, आपने ठीक सुना, आप इस T20 सेशन जीत सकते हैं अप टू 10 करोड़ रुपीज ऑन प्लेयर स्पॉट ऐप। तो बनो इस T20 सेशन के विनर ऑन प्लेयर स्पॉट ऐप एंड चैलेंज करो मुझे ऑन इंडिया के नए मैदान। प्लेयर स्पॉट ऐप पर अपनी क्रिकेट टीम बनाकर ज्वाइन करो लीग्स, और इस इंडियन प्लेयर स्पॉट लीग में तो प्लेयर स्पॉट पर 10 लाख का ग्रैंड लीग है जिसमें आपको फ्री एंट्री मिल रही है, और उसी के साथ 1.2 करोड़ का लीडर बोर्ड और BMW बाइक, ऐसे बहुत से प्राइजेस जीतना यहाँ पर आपके लिए मुमकिन हो रहा है। तो अब ग्रैंड लीग जीतना है तो प्लेयर स्पॉट पर ही खेलना है। और अब फैंटेसी स्पोर्ट्स हट के कोई बात करे तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है लूडो ऑन प्लेयर स्पॉट, और लूडो जैसे इजी गेम्स खेलकर भी आप यहाँ पर जीत सकते हो 10 करोड़ तक डेली। 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है, तो आप निश्चिंत रह सकते हो कि यहाँ पर आपके पैसे सेफ है। दूसरी बात, 7 मिलियन प्लस यूजर्स है जो रोज इस ऐप में कोई ना कोई गेम खेलते हैं, और तीसरी बात, यहाँ पर इजी विड्रॉवल है विद नो KYC एट ऑल। यहाँ पर गेम्स है जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स, शीप फाइट, हाउसी क्विज, चेस और अब रमी, जो कि आप यहाँ पर खेल सकते हो। इतने सारे गेम्स और इतने सारे विनिंग्स, तो क्यों नहीं इस ऐप पे जाना। और अब तो प्लेयर स्पॉट पे आ चुका है उनका नया रमी गेम भी, तो फटाफट डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड Place200, जिससे आपको मिलेगा 200 रुपीज का फ्री साइन अप बोनस, जिससे आओ चैलेंज करो मुझे और हो जाए एक लूडो गेम मेरे साथ खेलने के लिए। और 10 करोड़ जीतने के लिए डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और सिर्फ जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंडिया की एजुकेशन में तो इनका कंट्रीब्यूशन जमशेद जी टाटा ने 1911 में शुरू कर दिया था, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी थी। लेकिन इंडिया के एजुकेशन में मदद करने का काम तो इन्होंने 1892 से ही शुरू कर दिया था, जब इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स से लेकर लोन्स तक हर चीज की सुविधा देना शुरू कर दी थी। यही नहीं, टाटा ग्रुप ने आज 84 एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जिससे इंडिया के 26 स्टेट्स में 145 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले 360 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की ही लाइफ बदल रही है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जहां पर मैं रहता हूं, तो यहां पर तेजस प्रोजेक्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट, द ब्रिटिश काउंसिल और टाटा ट्रस्ट का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, उससे 18,000 टीचर्स अब तक इंग्लिश पढ़ाने और सिखाने का तरीका सीख चुके हैं और अपनी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। पर इसके साथ ही कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज तो टाटा ने खुद ही भारत में चलाई है, जैसे इंडियन विज्ञान इंस्टीट्यूट, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर और नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। पर इतना करने के बावजूद टाटा अपने टाटा स्ट्राइव इनिशिएटिव से भी इंडिया के लोगों को अलग अलग चीजें सिखाने से लेकर उन्हें अलग अलग काम के स्किल्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और 2014 से लेकर अब तक 6.5 लाख लोग इस इनिशिएटिव का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। पर ये सारी तो पुरानी बातें थी। अभी लॉकडाउन में जब यूनेस्को के एक एस्टिमेशन यानी कि अंदाजे में 1.37 बिलियन बच्चों की पढ़ाई रुक जाने का खतरा सामने आया था, विच इज अ बिग डील, टाटा ने एक बार फिर TCS आयोन डिजिटल क्लासरूम के रूप में हमारी मदद की, जिससे स्कूल्स और कॉलेजेस को मोबाइल और वेब एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें स्टूडेंट्स को रियल टाइम में लेसन्स के साथ साथ उनके वीडियोस, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स और असेसमेंट्स सब कुछ मिल पाया। यही नहीं, इसमें लाइव क्लासरूम जैसा फीचर भी है, मतलब सीधे सीधे बोले तो इंडिया की एजुकेशन के सागर से लोगों का बेड़ा पार कराने में टाटा का एक बड़ा हाथ है। लेकिन इकोनॉमी और एजुकेशन के अलावा एक और एक सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है, जो की है
हेल्थ, क्योंकि इंडिया के लोगों की हेल्थ की चिंता में ही तो टाटा ने अब तक 2500 करोड़ का डोनेशन इंडिया को दिया है। हाँ, लेकिन इस 2500 करोड़ के अलावा भी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यह बताया कि टाटा ग्रुप ने हॉस्पिटल्स में 3300 बेड्स ऐड कराए, 2 हॉस्पिटल्स का निर्माण किया और इन्होंने ऑक्सीजन कैपेसिटी को हर दिन 1100 टन तक बढ़ाया, जो इंडिया के टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 10% हिस्सा था। लेकिन टाटा आज सिर्फ कोविड में ही इंडिया की मदद नहीं कर रहा। सन 1930 में जब सर दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा को ल्यूकेमिया हुआ और 1931 में वो गुजर गई थी। ल्यूकेमिया एक टाइप का स्किन कैंसर होता है और उन्हें खोने के बाद उनकी याद में सन 1932 में द लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बनवाया गया, जिसका 4/5 इनकम इंटरनेशनल रिसर्च और 1/5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स में ल्यूकोमोजेनिक एजेंट से लेकर एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ ल्यूकेमिया पर रिसर्च करने में जाता है। और सिर्फ देश के खराब हेल्थ को सुधारने के लिए ट्रस्ट ही नहीं, हमारे देश के आने वाले कल हमारे देश के बच्चों की हेल्थ खराब ना हो, इसीलिए ने दी अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट अक्षया पात्र केटर के साथ पार्टनरशिप में चलाया है, जो हर दिन 12,000 बच्चों को 20 स्कूलों में न्यूट्रिशियस और टेस्टी खाना खिलाता है। इसी के साथ आज इंडिया में 34% इंडियन स्टेट्स पानी की गंदगी से जूझ रहे हैं और इसी के चलते 38 मिलियन इंडियन पानी में होने वाली बीमारियों से हर साल लड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात डायरिया की करें तो वो अकेले ही 7 लाख इंडियंस की मौत का जिम्मेदार होता है एवरी ईयर, जिसमें से 1.5 लाख तो सिर्फ बच्चे होते हैं। और इसीलिए टाटा अपने वाटर मिशन से इंडिया के 7,000 गांवों में 6 मिलियन लोगों को साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करने के एम में रखा है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने 4,000 गांवों में फ्रेश और साफ सुथरा पानी पहुंचाकर 10 लाख इंडियंस की जिंदगी बचाई है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 20% पानी जो इंडिया के लोग पीते हैं वो टाटा की डिजाइंड फैसिलिटीज से ही आता है, यानी इन्होंने इंडिया के आज और कल दोनों को सुरक्षित करने का प्लान तैयार रखा है। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, टाटा के इंडिया को एम्पावरमेंट से एम्प्लॉयमेंट देने और इंडिया के एनवायरनमेंट को बचाने वाले स्टेप्स की बात भी आप तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो अपनी मिट्टी में बने लोग अपनी मिट्टी को हमेशा ही याद रखें और तभी तो लोगों के लिए टाटा केमिकल सोसाइटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट TCSRD ने ओखाई इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स को प्रमोट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ओखा मंडल गुजरात में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs फॉर्म कर रखे हैं, जो वहां के गांव में 5,000 कारीगरों को अगले 5 साल में एम्पावर करने का गोल रखता है। इसके अलावा टाटा का सहेली वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो एक ऐसा मार्केट प्लेस पोर्टल है जो महिलाओं और किसानों के छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को अपने प्रोडक्ट्स दिखाने और कॉम्पिटेटिव विजडम को बढ़ाने में मदद करते हैं, ये भी इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। अब तक इस इनिशिएटिव से 14,325 महिलाएं और 12,736 फार्मर्स जुड़ चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया, टाटा भूटान जैसे देशों से ज्यादा यानी कि 7.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देता है, लेकिन एनवायरमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह टाटा आगे है। जैसे टाटा केमिकल्स बोटानिकल रिजर्व के थ्रू, मतलब टाटा केमिकल्स ने अपने गुजरात के मीठापुर के साइट पर 150 एकड़ रिजर्व बना दिया है, जहां अब 21 नेटिव प्लांट्स के साथ साथ 114 अलग अलग वेजिटेशंस भी पाए जाते हैं। और सिर्फ यही क्यों, यहाँ 70 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज आती है। इस बंदे को मैंने हमेशा देखा है, इसने कभी मतलब के अपने आप को ये नहीं साबित किया कि मैं अरबपति हूँ या मैं इतना बड़ा आदमी। बिल्कुल, एक हाथ से देते दूसरे हाथ से भाई मतलब पता ही नहीं चलता, ये वो बंदा है। और इसकी वजह से 7,000 गांव में साफ पानी गया है, जिसकी वजह से गंदा पानी लोग पीता था और उनको डायरी और मतलब काफी ज्यादा डेथ्स वगैरह हो जाती। अभी भी 20% जो है पानी इनका इस्तेमाल पूरे इंडिया के पूरे इंडिया के अंदर ये अंदाजा लगा ले, 20% इनका प्रोवाइड किया हुआ पानी हो रहा है। ये कोई छोटी चीज एक नहीं होती है और एक किस्म का टाटा जी की जो है ये सब कुछ चीजें हैं, ये रीढ़ की हड्डी है इंडिया। ऐसे रतन टाटा जैसे रतन हमारे यहाँ कोई नहीं है, मतलब इतना टैक्स दे देते हैं, एजुकेशनल फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, हेल्थ फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, रोजगार से लेकर मुल्क को आगे बढ़ाने तक, इकोनॉमी को लेकर हर चीज़ में, हॉस्पिटल मेडिसिन में ही कहूँगी, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पीछे हैं। कार्स को लेकर टाटा कितने माने जाने हैं, स्टील्स को लेकर कितने माने जाने हैं, तो मैं कहूँगी हर देश में इनका ब्रांड है, हर जगह ये फैले हुए, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं सोच रही हूँ ऐसी एक पर्सनालिटी, ऐसा एक रत्न पाकिस्तान में नहीं है, कोई एक नहीं है, आधा हो जाता, पौना हो जाता। और इतनी माशाल्लाह से इतना कमाते हैं वो कि कितना कितना तो डोनेट कर देते हैं लोगों को, कितना कितना टैक्स दे देते हैं,
हम जो कर्जों के तले दबे हुए, ऐसा एक बंदा भी यहाँ होता तो मेरे हिसाब से कर्ज तुम यूं चुटकियों में उतार देता। बिल्कुल ऐसा ही कि अरबों खरबों में तुम खेल रहे। सो गाइस, आज का वीडियो यही खत्म होता है, और अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा। और जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।